फ्रेंड्स, मैं हूं साहिल और लिविंग इंटीरियर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं निराला एस्टेट, जो कि ये नोएडा एक्सटेंशन में स्थित है और इसमें हमने एक 3 BHK का इंटीरियर किया है जो 1385 स्क्वायर फीट का साइज़ था। इसमें 3 बेडरूम और एक लिविंग रूम और किचन हमने डिज़ाइन किया है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने इसमें क्या क्या वर्क किया है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ मेन गेट की। तो यहाँ पर जो मेन गेट हमने सिक्योरिटी डोर के पर्पज़ से एक डोर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसको ना डोर को लैमिनेट फिनिश में बनाया है और लैमिनेट फिनिश में बनाने के बाद हमने जो बीच में इसमें CNC कट डिज़ाइन दिया है जो कि पाउडर कोटिंग में आता है। और इसमें ना हमने एक मॉस्किटो नेट जाली भी लगाई है इसके अंदर, जो कि आपको अगर आप अंदर का डोर खोल कर रखना चाहते हैं तो बाहर से आपको ये एरी रहेगा पूरा। साइड में आपकी एक सूर्यका जाती है, स्मॉल से सूर्यका है। यहाँ पर आप अपना कुछ प्लांटर वगैरह प्लान कर सकते हैं या फिर अपने शूज़ वगैरह जो डेली यूजेस के हैं वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे ही हम फ्लैट के अंदर आते हैं तो आप देखेंगे हमने यहाँ पर एक जो सूर्यक प्लान किया है और सूर्यक इस वे में प्लान किया है कि आप इसको एज ए कंसोल यूज़ कर सकते हैं। सूर्यक के साइड में हमने यहाँ पे एक लूवर्स पैनल दिए हैं जो कि 23 mm WBC लूवर्स पैनल हैं, वो हमने यहाँ पे प्लान किए हैं। इसके ऊपर एक बुद्धा लगा दिया है और कुछ आर्ट इफेक्ट रख दिया है, तो काफ़ी अच्छा आपको लुक दे रहा है। ये हमारी आ जाती है सोफ़ा बैक वॉल। सोफ़ा बैक वॉल पर हमने ना एक डिसेंसी वॉल मोल्डिंग प्लान की है और वॉल मोल्डिंग जो हमारी है WPC की वॉल मोल्डिंग है, टेपर मोल्डिंग इसको बोलते हैं। और इसके बीच में जो आ जाती है ये 22 mm की है, ये 38 mm की हमने WPC वॉल मोल्डिंग प्लान की है। वॉल मोल्डिंग अगर WPC के आप प्लान करेंगे तो आपको एक बेनिफिट्स होगा कि इसमें काफ़ी अच्छी स्मूथ फिनिश आप ले सकते हो। बाकी आप POP में जाओगे या फिर आप इन सब चीज़ों में जाओगे तो वो थोड़ा सा फिनिश नहीं आती है। उसके साथ में हमने दोनों तरफ जो वॉल मोल्डिंग है उसके साथ में हमने आपको वॉल लैम्प का ऑप्शन दिया है, जो कि हमने एक ये आपकी डायमंड शेप की जो रिंग टाइप की लाइट होती है वो हमने यहाँ पे प्लान की है। और जैसे ही हम इधर आते हैं हमने जो कर्टन्स आप देख रहे हैं, कर्टन्स हमने ना ये चैनल ट्रैक पर प्लान किए हैं। इसमें कोई भी हमें एक्स्ट्रा ना हमने कोई पैलमेट नहीं लगाया, बिना पैलमेट के हमने कर्टन ट्रैक पर प्लान किए गए हैं। इसके अलावा जैसे हम यहाँ पर आते हैं अपना ये TV यूनिट आ जाता है। तो बिल्डर का एक्चुअली यहाँ पर कोई TV का प्लान नहीं था कि बिल्डर ने दूसरी साइड दे रखा है, बट हमने यहाँ पर इसको प्लान किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ना ये एक पाउडर कोटिंग में MS पाउडर कोटिंग के साथ में हमने एक पार्टीशन क्रिएट किया एक्स्ट्रा, ताकि यहाँ पे एक हम लॉन्ग TV प्लान कर सकते हैं, बड़े साइज़ का हम TV प्लान कर सकते हैं। नीचे हमने एक स्लीक सा एक ड्रॉ सिस्टम दे दिया है जो वाइट कलर के फ्लोटी चीज़ल है, इसके साथ हमने प्लान किया है जो कि देखने में काफ़ी अच्छा दिख रहा है। उसके साथ हमने ये दो यहाँ पर लूवर्स पैनल लगा दिए हैं WPC वाले अगेन, और उसमें हमने 2 प्रोफाइल लाइट रन करा दी हैं। जैसे हम लिविंग रूम में आते हैं तो हमने ना जो फॉल सीलिंग प्लान की है, फॉल सीलिंग हमने सिर्फ पेरीफेरी फॉल सीलिंग प्लान की है। और जो इसके कॉर्नर्स हैं वो हमने कर्वी कॉर्नर्स रखे हैं, हमने स्ट्रेट कॉर्नर नहीं रखे, हमने थोड़ा सा अलग किया है कि कर्वी कॉर्नर्स को हमने प्लान किया है। बीच में एक हमने फ़ैन प्लान कर दिया है, दोनों साइड हमने ब्यूटीफुल सा सैंड लेयर प्लान की है। ये आ जाता है हमारा डाइनिंग एरिया। यहाँ पर हमने डाइनिंग एरिया प्लान कर रखा है, अभी इसमें बाद में डाइनिंग लगेगी। और ये हमारी एक साइड वॉल है, यहाँ पे हमने इसको मिरर के साथ में प्लान किया है जो कि बेवेल्ड मिरर है, रोज़ गोल्ड फिनिश में हमने मिरर दिए हैं। दोनों साइड हमने लैम्प प्लान कर दिए हैं। मिरर को जो हमने रखा है वो मोल्डिंग फ्रेम के अंदर रखा है ताकि इसकी एजेस शार्प ना दिखे। सामने वाली वॉल पे हमने जो डाइनिंग की एकदम फ्रंट वाली वॉल रहेगी इस पर हमने एक मोल्डिंग फ्रेम दिया है और बीच में एक हमने लाइट प्लान कर दी है जो कि आपकी फ़ोटो फ्रेम लाइट हो सकती है, या फिर अपना कुछ फैमिली का आप कोलाज बनाकर लगाना चाहते हैं तो इस पर आप प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं किचन में। आपका ये अपना नैनो फिनिश में स्लैब है, वाइट क्वार्ट्ज हमने यहाँ पे यूज़ किया है। और जो ये टाइल आप देख रहे हैं ये हमने सतवारियो टाइल ली है, कजारिया कंपनी की टाइल है। हमने साइज़ जो लिया है वो 2x4 का साइज़ है। 2x4 का साइज़ लेने से बेनिफिट ये होता है कि आपको जॉइंट नहीं दिखते हैं, जॉइंट बहुत ज़्यादा कम आते हैं और फिनिश काफ़ी अच्छी दिखती है। बिल्डर ने जो यहाँ पर दिया था कि काफ़ी मोटा स्लैब डाल कर दिया था, उसको डिसमेंटल करने के बाद ही हमने लगाया है। उससे बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको ना ड्रॉर्स में आपका स्पेस मिल जाता है काफ़ी। ये हमने कटलरी प्लान की है, उसके नीचे हमने एक कप सोसर वगैरह के लिए एक ड्रॉर प्लान की है। यहाँ पर टैंडम ड्रॉर्स है हमारी, उसके नीचे हमने एक थाली वाली ड्रॉर प्लान की है जो कि हमारी ग्लास टैंडम है। इसके बाद हमने यहाँ पे 2 ड्रॉर्स और दिए हैं जो टैंडम ड्रॉर्स हैं, जो कि इक्वल साइज़ की हमने प्लान की है। एक हमने BPO प्लान किया है यहाँ पर, जो कि अपने आप बोटल्स वगैरह यहाँ पर रख सकते हैं। इनिशियल में हमारा सबसे फ्रंट में हमने पेंट्री प्लान की है, जो कि हमारी ना ब्लैक फिनिश में आपकी ग्लास पेंट्री है, HDRD कंपनी की हमारी ग्लास पेंट्री है। अपर एरिया में हम देखेंगे कि हमने क्या किया है, चिमनी के दोनों साइड में हमने ना ब्लैक कलर के ग्लास फिनिश में डोर दिए हैं जो कि अपने एल्युमिनियम फ्रेम के साथ आते हैं। और ऊपर हमने एक प्रोफाइल प्लान की है जो कि आपके इस डोर्स पर प्रॉपर लाइट देती है। ऊपर वाले जो हमारे कैबिनेट है हमने थोड़े से ना बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करके बनाए हैं, जिसमें आपको डिस्टेंस भी काफ़ी मिल जाता है, अंदर का जो आपका डेप्थ होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। एक प्लस पॉइंट और है इस चीज़ में, आप देखिएगा कि हमने ना कहीं भी आपको चिमनी का पाइप दिखेगा नहीं। हमने जो चिमनी का पाइप प्लान किया है वो सीलिंग के अंदर से हम लोग ले गए हैं, तो चिमनी का पाइप सीलिंग के अंदर से ले जाने से बेनिफिट ये है कि आपको ये स्टोरेज प्रॉपर मिल जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कहीं भी आपको चिमनी का पाइप नज़र नहीं आएगा इस साइड। ये हमारा डबल डोर फ्रिज आ जाता है। फ्रिज के ऊपर भी हमने दो ग्लास कैबिनेट दिए हैं। ग्लास कैबिनेट के अंदर हमने प्रोफाइल लाइट प्लान की है, ब्लैक टेंटेड ग्लास है विद एल्यूमिनियम फ्रेम। अगेन हमने इसमें जो माइक्रोवेव है हमारा वो हमने हैंगिंग में प्लान किया है, जिससे कि आपका स्लैब प्रॉपर यूजेबल रहता है। स्लैब माइक्रोवेव के ऊपर हमने एक कैबिनेट और प्लान किया है, ओपने वाला है। अगेन फिर हमने इसको थोड़ा सा, ताकि ये क्लमजी ना लगे, हमने इसको दो ग्लास शटर प्लान किए हैं। अगेन वही टिंटेड वाले, ब्लैक टिंटेड वाले हमने ग्लास डोर प्लान किए हैं। इसके बाद जैसे ही हम नेक्स्ट आते हैं तो हमने एक ओपनेबल शटर प्लान किया है, और यहाँ पे हमने दिया है डिश रैक स्टोरेज, जो कि अपने यूटेंसिल आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो आफ्टर वॉशिंग। नीचे हम देखेंगे कि हमने जो सिंक दिया है वो स्मॉल सिंक दिया है, छोटा सिंक दिया है। ये 16 या 18 इंच का साइज़ है, और इसके साथ में हमने एक आर ओ की टैप दी है, जो कि आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। अंडर सिंक आर ओ हमने यहाँ पर प्लान किया है। आर ओ जो है हमारा वो अंडर सिंक है, कैबिनेट के नीचे रहता है, उसका जो पानी है आप यहाँ से ले सकते हैं। अगेन प्रोफाइल लाइट हमने दोनों साइड डाला है प्रॉपर तरीके से, और ऊपर में भी हमने प्रोफाइल लाइट प्लान किया है। किचन की फॉल सीलिंग हमने बड़ी डिसेंट से प्लान की है। हमने सिर्फ प्लेन फॉल सीलिंग की है, और इसमें हमने दो सिर्फ जो अपनी सीलिंग लाइट होती है पैनल लाइट हमने वो प्लान कर रखी है ऊपर, ताकि ये एरिया थोड़ा सा ज़्यादा लाइटफुल दिखे। जैसे ही हम बालकनी में आते हैं तो बालकनी में हमने यहाँ पर प्लान किया है कि हमने पूरा कवरिंग किया है, एलुमिनियम से कवरिंग की है विद ट्रांसपेरेंट ग्लास है ये। और हमने जो यहाँ स्मॉल सिंक दिया है तो हमने मेन सिंक बाहर प्लान किया है, जो अपना प्रॉपर वेट एरिया है वो हमने बाहर बनाया है। और बिल्डर ने दिया था ऑलरेडी स्पेस वॉशिंग मशीन के लिए, तो वॉशिंग मशीन का स्पेस हमने टच नहीं किया, उसको एज इट इज़ वॉशिंग मशीन प्लेस की है। ये हमारा आता है सबसे पहला रूम, जिसे हमने किड्स रूम प्लान किया है। इसका जो आप डोर देख रहे हैं एग्जिस्टिंग डोर है, जो बिल्डर ने प्रोवाइड कराया था, और उसके ऊपर सिर्फ हमने ना रोज़ गोल्ड वाली टी प्रोफाइल है जो हमने प्लान की है। एच डी जैसे बिल्डर ने ग्रुप कटिंग कर दिया था, हमने उसी पे प्लान कर दिया है, तो काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है आपको। जैसे ही हम किड्स रूम में आते हैं, हमने सामने वाली वॉल को एक कस्टमाइज वॉलपेपर के साथ प्लान किया है, जो कि किड्स के साथ आजकल काफ़ी ट्रेंडी चलता है, तो वो हमने ये वॉलपेपर प्लान कर रखा है, जो नॉन वोवन फिनिश में आपका वॉलपेपर आ जाता है। इसमें हमारी ये बिल्डर स्पेस वाली वार्डरोब है, जो कि बिल्डर ने एग्जिस्टिंग स्पेस दे रखा था, वहाँ पर हमने वार्डरोब प्लान की है, जो कि हमारी ब्लू और वाइट फिनिश में आप देख रहे हैं। ये हाई ग्लोस सनमाइका फिनिश में वार्डरोब है। इसके ऊपर हमने क्रोम फिनिश में लॉन्ग हैंडल प्लान किए हैं, और इसकी साइड में बिल्डर ने एक विंडो दी है। विंडो को हमने ये जेब्रा ब्लाइंड लगा के क्लोज़ किया है। जेब्रा ब्लाइंड को आप ऊपर भी कर सकते हैं, जब आपको विंडो का व्यू चाहिए आप ऊपर कर सकते हैं। इस रूम में हमने एक और एक्स्ट्रा वार्डरोब प्लान की है, जो कि हमने एंट्री करते ही लेफ़्ट साइड वाली जो वॉल है उस पर हमने प्लान की है। यहाँ पर बिल्डर का एक कुछ एग्जिस्टिंग पिलर है, तो इसकी डेप्थ आपको थोड़ी कम ही मिलती है। इसके अंदर प्रोफाइल लाइट लगी है, ब्लैक कलर के हैंडल है, हमारी फ्लूटेड लैमिनेट हमने इस पर प्लान की है विद वाइट हाई ग्लॉस लैमिनेट, जो कि काफ़ी अच्छा लुक दे रही है। ऊपर हमने पूरा लॉफ्ट एरिया प्लान कर रखा है सीलिंग के साथ टच करके, और जो हमारा पूरा सनमाइका है लॉफ्ट का वो भी हमारा स्पार्कल हाई ग्लॉस है वाइट में। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें आपका स्टडी टेबल। हमने एक छोटा सा स्टडी टेबल हमें प्लान कर दिया है। ये जो हमारी स्टडी के पीछे लैमिनेट है ये मार्बल फिनिश में लैमिनेट है, और ये टेक्सचर लैमिनेट कहलाती है। इसके नीचे हमने प्रोफाइल लाइट प्लान की है, जो कि आपका स्टडी पे आप स्टडी के टाइम पे आपको प्रॉपर लाइटिंग देती है। इस रूम की फॉल सीलिंग जैसे बाकी जगह पर हमने की है लिविंग रूम में, हमने वही प्लान कर रखी है, क्योंकि हमने पेरीफेरी प्लान की है, जिससे कि आपका जो फ़ैन हाइट है वो डिस्टर्ब नहीं होती है। इसलिए कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि हमारे फ़ैन हाइट जो है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, तो हमने सिर्फ ये पेरीफेरी वाली जो है फॉल सीलिंग प्लान की है, और जिसमें हमने जो ये जैगवार की लाइटिंग लगा रखी है। ये हमारा इस फ्लैट का कॉमन बाथरूम है। डोर अगेन हमने सेम डिज़ाइन किया है यहाँ पे जैसे बाकी डोर्स हैं। जैसे ही हम बाथरूम में आते हैं तो जैसे प्रीवियस हमारा बाथरूम है मास्टर बाथरूम, उसके जैसे ही सेम दोनों बाथरूम को हमने प्लान किया है। फॉल सीलिंग इसकी देख सकते हैं, हमने कॉर्नर प्रोफाइल यूज़ की है, और कॉर्नर प्रोफाइल के साथ साथ हमने दो लाइट इसमें सीलिंग में भी पैनल प्लान कर रखे हैं। टफन ग्लास हमारा यहाँ पर 10 mm का हमने यूज़ कर रखा है, जो कि आपका वेट एरिया और ड्राई एरिया को सेपरेट रखता है। उसके अलावा हमने अगेन इसमें एक जो वैनिटी मिरर है वो हमने प्लान किया है, वो थोड़ा इस बार हमने रेक्टेंगल शेप में प्लान कर रखा है। बाउल हमारा हमने न्यू लगाया है, यहाँ पे जो बिल्डर वाला था वो हमने हटा के न्यू लगाया है। नीचे पूरा स्टोरेज आपको मिल जाता है, वाटरप्रूफ प्लाई के अंदर ये बनता है, अगेन इसमें हमने क्या किया है कि यहाँ पे जो बिल्डर का जो आपका गीज़र स्पेस था वो हमने यहाँ से रिमूव करके हम सीधे इसके बाहर ले गए हैं। आपका जो सॉफ्ट एरिया ना वहाँ पे हमने प्लान कर दिया है और यहाँ पे हमने एक अलग से स्टोरेज बना दिया है जो कि आपका नीचे छोटा सा ओपन एरिया निकाला है जिसमें प्रोफाइल लाइट हमने प्लान कर रखी है, वो आपको काफ़ी यूनिक लगता होगा इसको। ये हमारा सेकेंड बेडरूम है, इसको हमने एज ए पेरेंट्स बेडरूम प्लान किया है और इसका जो डोर है एग्जिस्टिंग वही डोर है जो बिल्डर ने प्रोवाइड कराया था, इस पर हमने अगेन रोज़ गोल्ड जो ग्रूविंग में टी प्रोफाइल थी वो हमने फिक्स की है। जैसे ही हम बेडरूम में एंटर करते हैं हम देखते हैं कि हमने इसमें स्टोरेज के लिए सिर्फ एक अलमीरा थी, उसके अलावा हमने यहाँ पे ना एक लॉफ्ट प्लान की है जो कि ओवरहेड लॉफ्ट हम इसको बोल सकते हैं। ओवरहेड लॉफ्ट हमने प्लान की है जो कि आपको काफ़ी स्टोरेज दे देती है। बेड के पीछे हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे ना वॉल मोल्डिंग प्लान की है जो कि 30 mm की WPC वॉल मोल्डिंग है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि इसको एकदम सिंपल एंड स्लीक रखना है तो हमने इस पर सिर्फ वॉल मोल्डिंग सिंगल फ्रेम में प्लान की है और दोनों साइड हमने इसमें लैंप का प्रोविज़न दिया है जो कि इस वॉल को काफ़ी इनहेंस बनाता है। अगेन इसमें एक बेड आ जाता है जो कि 6x6 का बेड है। बेड पूरा फॉर्म एंड फैब्रिक के साथ रैप्ड है। पीछे का आप डिज़ाइन देख सकते हैं बेड का, वो काफ़ी सिंपल एंड स्लीक है। दोनों साइड हमने साइड टेबल प्लान कर सकते हैं, अभी हमने एक ही साइड टेबल प्लान किया है, एक साइड हमने प्लांटर रखा हुआ है। ये हमारी बिल्डर स्पेस की वार्डरोब आ जाती है जो कि हमने दो कलर में प्लान किए। इसमें एक वुडन कलर हमने बीच में दिया है, अपर एंड लोअर में हमने ये फ्लोटेड ब्लू कलर का लैमिनेट यूज़ किया है। जो वुडन कलर है उस पर ब्लैक फिनिश काफ़ी अच्छा लगता है तो हमने वहाँ पे ब्लैक हैंडल यूज़ किए हैं। इस फ्लैट के अंदर हमने पेरेंट्स बेडरूम में टेम्पल को प्लान किया है क्योंकि हमारी जो एक डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट वो इसी रूम में परफेक्ट मिल रही थी हमें, तो हमने इस कॉर्नर में टेम्पल को प्लान किया है। इसके जो आप डोर्स देख रहे हैं वो आपके MDF में जो आपका डीको PU फिनिश होता है वो हमने यूज़ कर रखे CNC वाले डोर्स हैं और ये डोर्स ना आपके पॉकेट चैनल डोर्स बोलते हैं इनको। ये आपके ओपन होने के बाद अंदर चले जाते हैं और इसको हम बाहर भी जब लेके आएंगे तो ये क्लोज हो जाएंगे प्रॉपर तरीके से। इस फ्लैट का हमने जो फोयर एरिया प्लान किया है यानी कि कॉरिडोर इसको हम बोल सकते हैं, कॉरिडोर की सीलिंग हमने प्रोफाइल पैटर्न में प्लान की है जो हमने डबल रेक्टेंगल प्लान कर रखा है जो कि काफ़ी अच्छा लुक आपको दे रही होगी। अगेन डोर्स पर आप देखेंगे वही हमने जो प्रोफाइल पट्टी है इसको रोज़ गोल्ड पट्टी बोल सकते हैं वो हमने पेस्ट कर रखी है जो भी आपका ये एग्जिस्टिंग रूफ थे उसके साथ में। ये आ जाता है हमारा मास्टर बेडरूम जो कि इसका मेन बेडरूम है और जैसे ही हम इसमें एंट्री करते हैं तो राइट साइड में हमारा ये हमने सिलिक से एक TV पैनल बनाया है जिस पे हमने ये मार्बल फिनिश सनमाइका पेस्ट की है और इसमें हमने बीच में जहाँ पे इसके जॉइंट्स आते हैं वहाँ पे हमने ये रोज़ गोल्ड की टी प्रोफाइल फिक्स की है। ऊपर आप जैसे देख सकते हैं हमने एक स्लैब प्लान किया है और स्लैब के नीचे हमने अगेन प्रोफाइल लाइट प्लान किया है। साइड्स में आप देखेंगे कि हमने जो ये TV पैनल है इसके बैक साइड में भी हमने कोब लाइट प्लान कर रखी है। नीचे आपको दो ड्रॉर्स मिल जाते हैं जिसके सेंटर में हमने अगेन रोज़ गोल्ड वाली जो अपनी टी प्रोफाइल है वो हमने प्लान की है और इसकी वजह से आपको ये लुक काफ़ी यूनिक देखने मिल रहा होगा। नेक्स्ट हमारा आता है कि जो बिल्डर ने एक स्पेस दिया है वहाँ पर हमने ये स्लाइडर वार्डरोब बनाया है जो कि हमारा सनमाइका फिनिश में अगेन है और ये सनमाइका हमने जो यूज़ की है वो हाई ग्लोस सनमाइका है। इसमें आपको दो कलर मिल जाते हैं, बेज एंड वाइट का हमने कॉम्बो दिया है जो कि बीच में हमने एक पट्टी टाइप प्लान करके बनाया है। हमने यहाँ पे एक ड्रेसर प्लान किया है जिसमें हमने नीचे एक स्लिक सी ड्रॉर बना दी है और ड्रेसर का जो हमने मिरर दिया है वो आपका ब्लैक एलुमिनियम फ्रेम में हमने मिरर को फिट किया है। आप ड्रेसर के पीछे देखेंगे कि हमने यहाँ पर अगेन एक कोब बना के ना एक लाइट लगाई हुई है जिसको कोब लाइट हम बोलते हैं, वो हमने यहाँ प्लान की है जिसका इफेक्ट आप लूवर्स पे देख सकते हैं। और ये हमारा जो ड्रेसर है हमें स्टोरेज वाला ड्रेसर है, ना कि ये सीधा मिरर है, इसके पीछे काफ़ी स्टोरेज है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम बेड की जो हेड वाली पैनलिंग है वो हमने इसमें काफ़ी यूनिक टाइप की है। बीच में जो ये हमारा वॉलपेपर देख रहे हैं इसके दोनों साइड में हमने ये चीज़ल प्लान किए हैं जो कि लूवर्स टाइप ही होता है पर थोड़ा डिफरेंट मटेरियल आता है। ये चारकोल पैनल होते हैं, ये हमने दोनों साइड प्लान की हैं। इसके बीच में आप देखेंगे कि हमने जो ये मिरर फिनिश की अगेन गोल्डन जो पट्टी होती है ना वो हमने लगा रखी है। दोनों साइड सेम पैटर्न हमने प्लान कर रखा है और बीच में हमारा कस्टमाइज नॉन वोवन फिनिश में वॉलपेपर है। इस रूम की जो फॉल सीलिंग है हमने सेम प्लान की है पेरीफेरी डिज़ाइन में और इसके जो कॉर्नर है हमने कर्वी कॉर्नर्स रखे हैं। कस्टमर की रिक्वायरमेंट वही थी कि उनका जो फ़ैन हाइट है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनको सीलिंग हाइट ज़्यादा चाहिए थी बेड वाले एरिया में, तो हमने बीच में ऐसा कुछ प्लान किया नहीं है। इसमें सिर्फ हमने इफेक्ट दिया है आपका कोव लाइट के साथ जो पेरीफेरी डिज़ाइन है वही फॉल सीलिंग हमने प्लान की है। ये हमारा आ जाता है मास्टर बाथरूम। मास्टर बाथरूम में हमने आप जैसे आप सीलिंग देखेंगे तो सबसे पहले हमने सीलिंग में कॉर्नर प्रोफाइल लाइट लगाई है जो कि इसकी सीलिंग को काफ़ी यूनिक बनाती है। और हमने दो लाइट सीलिंग के अंदर ही कट करके लगा दी हैं जो कि आपको मेन लाइट दिख रही होंगी इस बाथरूम की। इसके अलावा हमने इसमें ग्लास सेपरेटर लगाया है जो कि 10 mm टफन ग्लास का सेपरेटर है जो कि आपके वेट एरिया और ड्राई एरिया को सेपरेट करता है। उसके अलावा हमने इसमें आपका एक ओवल शेप में मिरर प्लान किया है जो कि वैनिटी मिरर होता है। इसके अलावा हमने इसका बाउल चेंज किया है, जो बिल्ट इन एग्जिस्टिंग बाउल दिया था उसको हमने हटा के न्यू बाउल प्लान किया है। और नीचे आप देखेंगे हमने बाउल के नीचे एक कंप्लीट वैनिटी बनाई है जो कि हमारी फुल्ली वाटरप्रूफ स्टोरेज के साथ आती है। जो इसमें मटेरियल यूज़ कर रखा है हमने 710 ग्रेड BTP मटेरियल यूज़ किया है। इसके साइड में आप देखेंगे कि बिल्डर्स ने यहाँ पे गीज़र का जो पॉइंट है वो प्लान कर रखा है, बट हमने उसको रिमूव कर दिया यहाँ से और उसको हम ले गए हैं आपका साफ्ट एरिया में। साफ्ट एरिया में ले जाने के बाद हमने यहाँ पे एक ओपन यूनिट बना दिया है। ओपन यूनिट में आप कोई भी अपना प्लांटर्स रख सकते हैं या फिर अपने जो डेली यूजेस का आइटम है वो आप प्लेस कर सकते हैं। उसके अलावा ये हमारा एक प्रॉपर स्टोरेज है, इसके अंदर हम कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। अपना जो बाथरूम्स के आइटम्स होते हैं वो हम रख सकते हैं, ये प्रॉपर स्टोरेज आपको मिल जाता है। तो इस फ्लैट के ओनर है प्रशांत जी हमारे साथ, वो बताएंगे आपको कि उन्हें हमारा वर्क कैसा लगा है और हमारे से कैसे कांटेक्ट उनका हुआ था। प्रशांत जी, तो मेरा कांटेक्ट साहिल जी से हुआ था इंस्टाग्राम पे। मैंने इनके इंस्टाग्राम चैनल पे इनकी काफ़ी रील्स देखी, स्पेशली मुझे किचन का और जो लिविंग रूम का काम था इनका वो काफ़ी पसंद आया। तो हमारा तो यही था कि मेरा और मैडम का कि किचन हमें ऐसे ही चाहिए जैसा हमने इनके इंस्टाग्राम चैनल्स पर देखी थी। और मोर और लेस हमारा काफ़ी प्लानिंग वर्क चला, काफ़ी दिनों तक डिस्कस हुआ, 3D बने, क्या करना है, कैसे करना है, इवन क्या कलर शेड्स होने चाहिए। तो काफ़ी 3D बनने के बाद, ऑलमोस्ट सारे घर का 3D बनने के बाद ही काम स्टार्ट हुआ, टाइमली हैंडओवर हुआ। एंड जो भी काम, पूरा काम आप देख रहे हैं, पूरे लिविंग इंटीरियर ने अच्छा काम किया। नॉट ओनली कोई सिंगल पर्सन नहीं, पूरी की पूरी एंटायर टीम। ऐसा नहीं कि कोई एक बंदा या दूसरा बंदा, सारी की सारी टीम, इट वाज अ टीम वर्क। सब ने ही अच्छा काम किया और हम खुश हैं। घर देखने में आप देख ही रहे हैं कैसा लग रहा है, एंड इट्स ऑल बिकॉज हार्ड वर्क इनका, इनकी टीम का। और केवल हमारा ही नहीं, हमारे थ्रू भी जितने भी हमारे फ्रेंड्स थे सबको हमारा घर, जो काम हो रहा था, अच्छा लगा। सब ने साहिल जी को जाना, इनके जो टीम काम कर रही है उनको जाना, एंड आई थिंक वो भी कहीं ना कहीं आपसे जुड़े ही होंगे आगे जाके। तो ओवरऑल वी आर ए हैप्पी कस्टमर एंड वी होप दैट कि अगर इन केस हमें ज़रूरत पड़ती है आगे तो साहिल जी हमसे जुड़े रहेंगे। बस, थैंक यू।